स्वागत है तुम्हारा आज के दिन के अंदर। कल का व्लॉग काफी छोटा था, अगर मैंने वही डाल दिया होगा जितना मैंने शूट किया होगा, लेकिन आज का दिन शुरू हो चुका है। अभी फिलहाल सुबह के 12:15 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ जिम, वो भी मोहल्ले वाले जिम में। इतने टाइम बाद यार, मतलब गाने वाले चलेंगे, सारी मशीन होगी, पहले मेंबरशिप उसकी रिन्यू कराएंगे क्योंकि पिछले साल की थी ना, फिर जिम करेंगे मस्त एकदम। अब तो इतने दिन बाद सारी मशीन पे कर रहा हूँ लगातार, इतने दिनों बाद इन सब मशीन से कर रहा हूँ। सारी वो वाली मसल एक्टिवेट हो रही है जो इतने टाइम से यूज ही नहीं हुई थी, तो आज जरा मिक्स करके कर रहे हैं सारी मशीन। 3-4 दिन से लगातार करेंगे फिर वापस से आ जाएंगे सारे मोशन में। सही है, फिलहाल तो ट्रेनिंग वर्कआउट हो चुकी है भाई, सुपर इंटेंस है लेकिन तुम्हें पता ही है। जिम से वापस आ गया, प्रोटीन शेक पी लिया, नहा ली, तैयार हो चुका हूँ मैं अभी आज के दिन के लिए। सबसे पहले तो इस सूटकेस से जो मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ अपने घर में होके, इसको बदलते हैं, सूटकेस से सारे सामान रखते हैं अलमारी में। फिलहाल मैंने ऑरेंज टी शर्ट पहन ली है। अब देखो व्लॉग में टाइटल और थंबनेल तो तुमने देख ही लिया होगा, लेकिन मेरा एकदम से प्लान बन गया कि हम जाएंगे रात को वो बालाजी वाले मंदिर जहाँ पे सब वो भूत प्रेत आत्मा महात्मा भगाने वाला, मुझे नहीं पता देखो क्या सीन है, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, मैंने सुना बहुत है बचपन से, आज वहाँ जाने का मौका मिल रहा है, चलेंगे एकदम जय श्री राम जय हनुमान जी करते करते। छोले भटूरे आ चुके हैं यहाँ पे, अभी हम हल्दीराम में रुके हुए हैं, इसके बाद जाएंगे सीधा क्या नाम है मेहंदीपुर बालाजी है ना पूरा नाम, तो अभी तो आते ही रुक गए हैं क्योंकि किसी ने खाया नहीं था। और मुझे भी अभी पता चला कि आज तो हम देखने भी नहीं वाले, मतलब आज हम वहाँ जाने भी नहीं वाले, मैं तो ऑरेंज टी शर्ट हैवी पहन के आ गया जबकि आज तो जाना ही नहीं है, अभी पहले सोएंगे उसके बाद कल जाके होना है, तो मुझे तो लगा था आज के व्लॉग में सब होने वाला है, लेकिन अब मेरे हिसाब से आज का व्लॉग जो है कल सुबह तक जाने वाला है। देखते जो भी सेटिंग रहेगी, मैं भी पहली बार जाके देख रहा हूँ, जो भी माहौल रहेगा दिखाता रहूँगा, भूत प्रेत आत्मा सबसे मिलेंगे आज के दिन में। देखो इंडिया में आके छोले भटूरे खा रहा हूँ मैं हल्दीराम से आते ही पहले, वाह। ये देखो अभी हम यहाँ पे है, ऐसी जगह पे है, फिलहाल अब राजस्थान पहुंच चुके हैं हम सीधा, और मैं राजस्थान में नहा के तैयार हो चुका हूँ। लोग कहते हैं यहाँ पानी नहीं आता, लेकिन पानी आ रहा था, मैं उसी पानी से नहाया हूँ। और हम वो वाले मेन जो मंदिर है ना, वो वाली जगह से दूर रुके हुए हैं, उसके पास नहीं रुकते क्योंकि वरना पास रुकेंगे तो कोई आत्मा वात्मा का साया हम पे आ सकता है, कोई भी भूत प्रेत हम पे चिपट सकता है, तो इस सबसे बचने के लिए थोड़ा दूर रुके हुए हैं हम। अब हम जाएंगे मेन मंदिर, क्योंकि रात को जब हम पहुंचे थे तो मंदिर तो बंद हो गया था, मुझे भी लगा था कि हम रात को ही जाने वाले, लेकिन ऐसा कुछ सीन हुआ नहीं है, तो हम दिन में जाएंगे। और भी काफी सारे रूल्स है उसमें कि मंदिर में जब एग्जिट करते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते, क्योंकि पीछे मुड़ के देखेंगे जैसे स्त्री में होता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, वैसा ही इसमें है पीछे मुड़ के नहीं देखना, वरना भूत प्रेत आ सकते हैं देखो हमारे ऊपर। और खाना नहीं है किसी का दिया हुआ, कोई भी दे बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई जादू टोना टूना टोटका काला जादू शैतान देखिए तो ये सब हो सकता है यहाँ पे, ऐसा सीन है यहाँ पे। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, इतने टाइम बाद में सुबह के 6:30 पे देख रहा हूँ इंडिया के, ऐसे दिखते हैं सुबह के 6:30 अब, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं, ऐसा है यहाँ पे तो एरिया जरा। वापस गाड़ी में बैठ चुके हैं, सीधा जाएंगे मेन मंदिर। शूज यही उतार दू, फिर तू आ जा, फिर हम वेट कर रहे हैं। हमने सोचा था गाड़ी से जाएंगे, पुलिस वाले भैया ने यही रोक दिया हमें, अब ऑटो से जाना पड़ेगा। ये क्या पता तुम लोगों को पता भी ना हो कि ये क्या है, ये भी तो समझाना पड़ेगा इन लोगों को क्या है, कैसे समझाऊं मैं। ये मेहंदीपुर बालाजी है, ये ना मंदिर है, ठीक है, हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन यहाँ क्या होता है ना, यहाँ पे वो जो लोग नहीं होते जो पोजेस्ड होते हैं, जिन पे आत्मा वात्मा चढ़ी होती है, वो सब लोग आते हैं क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वो यहाँ पे आके फिर ठीक हो जाते हैं, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो एक तरीके से पोजेस्ड है, उनमें मतलब एक्चुअली सच में भूत है, तो हम भी देखेंगे कि कैसा होता है। पर एक बार 2017 में स्कूल के टाइम में इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल के लिए हमने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी, वो ऐसे स्किज़ोफ्रेनिया पे थी, और वो ऐसी थी कि उस बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया होता है, वो ठीक होता है, लेकिन उसके जो बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं कि उसको यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, तो उसमें से एक मंदिर ऐसा भी था, क्योंकि ऐसी भी बात मानी जाती है कि कुछ लोग जो ऐसे मेंटली इल होते हैं ना, अब किसी को नहीं पता होता गाँव वाँव में, अरे बड़ा शोर हो गया भाई, अब किसी को नहीं पता होता, उन लोगों को यही लगता है कि अरे इसमें तो भूत प्रेत ही है, ऐसी बात है, कितना सच है क्या है वो तो पता नहीं, पर मंदिर तो है ही, मेन तो मंदिर ही है, हनुमान जी की पावर देखेंगे हम, फील करेंगे मंदिर में जाके। मुझे और इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, मैं और अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सबसे पहली बात देखो, भूत बात की बात है, ये मंदिर फेमस इसलिए क्योंकि बहुत ही पावरफुल श्राइन है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी की जो मूर्ति है जो रखी हुई है वो बनाई नहीं गई थी, वो यहाँ मिली थी, जैसे वैष्णो देवी में मिले थे ना ऐसे यहाँ पे मिली थी, तो वो तब से चलती 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 अभी तक चल रही है, उसकी मान्यता एकदम बढ़ती गई है बढ़ती गई है बढ़ती गई है, और फिर बाद में जब ऐसे लोग आने लगे यू नो भूत भूत प्रेत वगैरह सीन जो हुआ, फिर वो भी जब ठीक होने लगे तो वो भी सीन यहाँ पे फिर होने लगा। बाकी मैंने तो वीडियोस देखी हैं, कई कई लोग आते हैं ऐसे जो एकदम भूत प्रेत के वश में होते हैं, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो लाइन में लग गए, काफी लंबी लाइन है, ऐसा माहौल है यहाँ पे। जय श्री राम, जय
अभी तो क्रेजी भीड़ हो रही है, जबकि कह रहे थे आज भीड़ कम है, फिर भी क्रेजी अमाउंट की भीड़ है। इतना तो पिछला वाली भी ऐड नहीं करते हो, किस तरह ही कर रहा है रोड। भूत बाधा वाले लोग तो हमें कम मिल पाए हैं यहाँ पे, लेकिन पहले होते थे ऐसा सुनने में आ रहा है, पहले बंदे रहते थे जरा चेन वेन से, अभी इस बार तो ज्यादा कुछ सीन नहीं था। फिर भी एक दो लोग दिखे मुझे, मैंने शूट करने की कोशिश करी है चुपके बिना उन्हें ऑफेंड करे हुए, जैसा भी मैं कर पाऊँ, वैसे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैंने कोशिश करी है, देख लेना तुम ऐसा ही माहौल होता है, इतना तो मिला नहीं मुझे कुछ। अरे गाय आ गई भाई एकदम सामने ही, दरवाजा खोलते ही। क्या है ये? खिचड़ी। ये मेरी है छाछ और खिचड़ी। बोल दो राबड़ी। राबड़ी पी के देख रहा हूँ अब मैं, क्या है ये बढ़िया खिचड़ी। बस और नहीं पीनी। ये देखो ये है कड़ी कचौड़ी, कड़ी चावल वाली कड़ी और उसमें कचौड़ी ऐसे डाल दिया इन्होंने, बहुत गर्म है पर अच्छा है, अलग टेस्ट है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले।